स्वागतम स्वागतम माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी स्वागतम स्वागतम स्वागतम। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की जय। जगन्नाथ जय, मां समलेश्वरी की जय। श्री राम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज बरगढ़ रे ये विशाल जनसभा रे आम भितर उपस्थित थिबा आमर अद्वितीय नेता देशर यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, एठिकार लोकसभा सदस्य आदरणीय सुरेश पुजारी, लोकसभा प्रार्थी आदरणीय प्रदीप पुरोहित, आमर विरोधी दल नेता जयनारायण मिश्र तथा मंच में बसिथिबा अन्यन्य समस्त नेतृमंडली, मु आपण समस्तंकु सभागार रे स्वागत करूछु। आम ओडिशा तरफरु मान्य प्रधानमंत्री का शासन प्रणाली को ओडिशा आसु, एटा ओडिया लोकंकर आज इच्छा। प्रथम तर करी बीजेपी रा सरकार हो, कहा मनरे संदेह नहीं, नरेंद्र मोदी देशर तृतीय थर प्रधानमंत्री हेबे। अब की बार ओडिशा रे भी नरेंद्र मोदी का शासन प्रणाली चालू। आज ये अवसर रे मु आमर पवित्र भूमि रे, धनुजात्रार भूमि रे, धान भूमि रे माननीय प्रधानमंत्री को स्वागत करूची। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। जगन्नाथ जय, जगन्नाथ जय, मां समलेश्वरी। एथी उपस्थित समस्त मान्यगण व्यक्ति, नको मोरा नमस्कार जोहार। इस पवित्र भूमि के इष्ट देव नरसिंहनाथ को मैं नमन करता हूं। माधो सिंह जी और गंगाधर महर जी की इस पावन धरती ने मुझे बहुत प्यार दिया है। आज भी इतना विराट जनसागर हमें आशीर्वाद देने आया है। यहां धनु यात्रा का उत्सव तो सदियों में होता है, लेकिन आज भी उत्साह उससे कम नहीं है। भाइयों और बहनों, 25 साल में एक पूरी पीढ़ी जवान हो जाती है, वो अपना नया जीवन शुरू कर देती है, लेकिन बीजेडी की सरकार इन 25 सालों में ओडिशा को गरीबी से बाहर नहीं निकाल पाई।
आज पूरे ओडिशा में बीजेडी के नेताओं के खिलाफ बहुत गुस्सा है। लोग एक ही बात कहते हैं, केते दिन साहिब ओडिशा, केते दिन साहिब ओडिशा, केते दिन साहिब ओडिशा। साथियों, आज मैं यहां आपसे डबल आशीर्वाद मांगने आया हूं। डबल आशीर्वाद चाहिए? मिलेगा ना? जरा पूरी ताकत से बताओ तो पता चले। मिलेगा डबल आशीर्वाद? मिलेगा? बरगढ़ से श्री प्रदीप पुरोहित जी और संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान जी को भारी बहुमत से जिताकर लोकसभा भेजना है। और दूसरा आशीर्वाद हमारे तमाम साथी विधायक, सारे विधायक और संसद के कैंडिडेट दोनों आगे आ जाएं। विधायक, हाँ, ये बाकी जो हमारे विधानसभा के उम्मीदवार हैं, उन सबको जिताकर भुवनेश्वर में सरकार बनानी है। मैं एक दो मिनट इनके बीच जाकर के फिर वाकई जाता हूं। और आप जब इन सबको जिताएंगे तो ओडिशा में डबल इंजन सरकार बनेगी। भाइयों बहनों, देश के कई भागों में तीन चरण में मतदान हुआ है और मैं आज बड़ी जिम्मेवारी के साथ और बहुत ही विश्वास के साथ और जनता जनार्दन ने जो आशीर्वाद दिए हैं उस आशीर्वाद की ताकत के भरोसे साफ साफ देख रहा हूं कि 4 जून को एनडीए का 400 पार करना पक्का हो चुका है। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी मान्य विपक्ष भी बन नहीं पाएगी। उसके लिए उनके शहजादे की उम्र से भी कम सीटें मिलने वाली है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि बीजेडी सरकार यहां कैसे विकास कार्यों में नाकाम हो चुकी है। आप मुझे बताइए, ये बीजेडी सरकार कौन चला रहा है भाई? ये बीजेडी सरकार कौन चला रहा है?
कौन चला रहा है? आपको मालूम है ना, पूरी सरकार आउटसोर्स कर दी है। यहां पर डेमोक्रेटिकली चुने हुए विधायक और विधायकों ने चुने हुए मुख्यमंत्री, इन सबके ऊपर एक सुपर सीएम बन गए हैं। क्या आप चाहते हैं कि जिसको उड़ीसा की समझ नहीं है, ऐसे हाथों में उड़ीसा जाना चाहिए? ऐसे हाथों में उड़ीसा जाना चाहिए? उड़ीसा को बचाने की जिम्मेवारी किसकी? उड़ीसा को बचाने की जिम्मेवारी किसकी? उड़ीसा को बचाने की जिम्मेवारी किसकी? भाइयों बहनों, मैं आपके पास भाजपा के स्वार्थ के लिए नहीं आया हूं, मैं आपके पास गिड़गिड़ा रहा हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरे उड़ीसा को बचाइए। उड़ीसा बर्बाद हो रहा है। इतना महान राज्य, इतनी महान संस्कृति, इतनी महान परंपरा 25 साल बर्बाद हो गए, और पिछले 5 साल में तो पूरी तरह उड़ीसा पर बाहरी लोगों ने कब्जा किया है। और इसलिए आप मुझे बताइए भाइयों, उड़ीसा के बेटे बेटी उड़ीसा का नेतृत्व करने योग्य है कि नहीं है? उड़ीसा की धरती पे जन्मे हुए लोग उड़ीसा का भला कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? उड़ीसा की परंपरा को जानने वाले उड़ीसा का भला कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? भाइयों बहनों, मैं तो गुजरात में से रहता हूं, मैंने वहां, मेरे यहां बहुत उड़ीसा के लोग हैं, उनका जो सामर्थ्य मैंने देखा है ना, उनकी जो क्षमता देखी है, उनकी जो प्रतिभा देखी है, मैं कभी कभी सोचता हूं कि ऐसे प्रतिभावान लोग जिस उड़ीसा के पास हो, धन संपदा अपार हो, प्राकृतिक संपदा अपार हो, वो मेरा उड़ीसा गरीब क्यों है? यहां के लोग सामान्य सुविधाओं के लिए तड़प क्यों रहे हैं? और उसका एक ही कारण है, अब सरकार चुने हुए लोग नहीं चलाते हैं, आज सरकार चलाने का काम और लोगों के हाथ में आउटसोर्स हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि उड़ीसा की बागडोर यहां की मिट्टी के बेटे या बेटी के पास रहे, तो आपको भाजपा के सभी विधायकों को, सभी कैंडिडेट को आपको चुनाव जिताना होगा। जिताएंगे साथियों, मैंने पहले ही घोषणा की है, 4 जून बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट है। और 10 जून को मैं आपको भुवनेश्वर आने का निमंत्रण देने आया हूं। 10 जून को आप सबको भुवनेश्वर आने का मैं निमंत्रण देने आया हूं। क्यों मालूम है? क्यों? भुवनेश्वर का क्या काम है? भुवनेश्वर में 10 जून को भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री का शपथ समारोह होने वाला है।
और मेरी गारंटी है भाजपा उड़ीसा की मिट्टी में रमा हुआ, उड़ीसा की मिट्टी में पैदा हुआ, उड़ीसा की मिट्टी में पला बढ़ा, उड़ीसा की संस्कृति परंपरा को जीने वाला उड़िया बेटा या बेटी ही मुख्यमंत्री बनेगी। भाइयों और बहनों, हमारा ये क्षेत्र किसानों की, कुशल बुनकरों की धरती है। प्रकृति ने भी यहां सब कुछ दिया है, जो समृद्धि के लिए जरूरी होता है वो सब मेरे उड़ीसा के पास है। लेकिन बीजेडी की सरकार ने भात हांडी को खाली कर दिया है। सब कुछ बीजेडी के नेताओं की तिजोरी में चला गया है। यहां कानून व्यवस्था चमराई हुई है, दिन दहाड़े मंत्री तक की हत्या हो जाती है। नशे के तस्करों ने, ड्रग माफियाओं ने हमारे नौजवानों को बर्बाद कर दिया है। आप मुझे बताइए, उड़ीसा को बर्बाद करने वाली ऐसी बीजेडी सरकार को एक पल भी उड़ीसा में राज करने का हक है क्या? हक है क्या? उनको हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? कौन हटाएगा? कौन हटाएगा? कौन हटाएगा? ये आपका संकल्प है? ये आपका संकल्प है? अगर उड़ीसा के लोग संकल्प करेंगे, एक मिनट ये सरकार नहीं रह सकती। और इसलिए मैं कहता हूं, मैं उड़ीसा में जहां जहां गया हूं, लोगों के संकल्प को मैंने देखा है, तब जाके मैं कहता हूं कि बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट आ चुकी है। साथियों, आज सुबह ही मैंने श्री जगन्नाथ मंदिर के प्रबंधन से जुड़ा एक संवेदनशील मसला, एक संवेदनशील विषय देश के सामने और उड़ीसा के नागरिकों के सामने रखा है। जगन्नाथ जी मंदिर के श्री रत्न भंडार की चाबियां पिछले 6 साल से गायब है। श्री रत्न भंडार में अकूत धन दौलत है, लेकिन उसकी सही स्थिति सामने नहीं आ रही है। उड़ीसा सरकार श्री रत्न भंडार की जांच रिपोर्ट को सामने नहीं आने दे रही है। आखिर उड़ीसा सरकार किसका हित साध रही है? भाइयों और बहनों, गांव का, किसानों का जीवन बेहतर करने के लिए मोदी दिन रात परिश्रम करता है। आपने तो देखा है, 10 साल पहले किसानों को यूरिया के लिए कितनी परेशानी होती थी। आज यूरिया और दूसरी खाद के लिए कोई परेशानी नहीं है। पुरानी सरकारों की नीतियों के कारण तालचेर सहित अनेक खाद कारखाने बंद हो गए थे। भाजपा सरकार ने ऐसे यूरिया कारखाने फिर से शुरू किए हैं। तालचेर में भी तेज गति से काम चल रहा है। दुनिया में
यूरिया की जो बोरी 3,000 रुपये में बिकती है वो आपको मोदी सरकार 300 रुपये से भी कम कीमत में देती है। किसानों को सस्ती खाद मिले सिर्फ इसके लिए मोदी सरकार ने 12 लाख करोड़ रुपये किसानों के लिए खर्च किए हैं। साथियों, मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू की है। बेटिया बैठिए, आप लोग कब तक खड़े रहोगे, बैठो बेटा। आपने बढ़िया चित्र बनाया है, मैं आपका आभारी हूं। आप बैठिए, आप लोग बैठिए। अच्छा भाई, एसपीजी के लोग जरा ये चित्र ले लीजिए इन बच्चों से। आप लोग कब से, मैं आया हूं तब से ऐसे ही हाथ करके खड़े हैं, थक जाएंगे। पीछे अपना नाम पता लिख देना, नाम पता लिख देना। आपका इतना आशीर्वाद प्यार, परमात्मा आपको शक्ति दे, भगवान जगन्नाथ आपको शक्ति दे। साथियों, छोटे किसानों को अपना धान रखने के लिए गोदाम मिले, जब बाजार में सही कीमत मिले तब वो अपना धान बेच सके, ये सुविधा हम बना रहे हैं। आपका प्यार, आपके प्यार के लिए मैं आपका आभारी हूं जी। वो दूर वाला भी चाहता है, वहां से वो नीचे रखो भैया, मैं कहां ये करता रहूंगा, फिर तो सभा में कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा। आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, लेकिन आप हाथ नीचे करिए, थक जाओगे भाई। मुझे मन में चिंता होती है, ये छोटे छोटे बच्चे अपना हाथ ऐसे खड़ा करके, आप हाथ नीचे कीजिए, मैंने देख लिया है भाई, अपने शरीर को कष्ट क्यों देते हो जी। साथियों, यहां बरगढ़ में किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के भी 400 करोड़ रुपए पहुंचे हैं भाइयों और बहनों। लेकिन दुर्भाग्य है कि बीजेडी सरकार आपको धोखा देने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। यहां 2,200 रुपये के आसपास धान का समर्थन मूल्य है, लेकिन किसान को 1,600 या 1,700 रुपये ही मिलते हैं। बाकी का पैसा कहां जाता है भाई, कोई ना कोई तो मारता है ना, कोई कोई तो पैसे चोरी कर लेता है ना, बीजेडी के बिचौलियों की जेब में पैसा चला जाता है। ये भ्रष्टाचार, जरा मुझे बताइए, ये भ्रष्टाचार रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? ये भ्रष्टाचार रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? ओडिशा भाजपा ने घोषणा की है कि धान का समर्थन मूल्य 3,100 रुपया किया जाएगा। इतना ही नहीं, धान खरीदने के 48 घंटे में उसके खाते में पैसा भी पहुंच जाएगा। अब ये सुनकर आप लोग खुश तो हो गए, मेरा एक काम करोगे, ऐसा नहीं बोलो, करोगे? ये माताएं बहने मेरा एक काम करेगी, जरा हाथ ऊपर कर बताइए, सब करेंगे? आपके इस इलाके में, दोनों लोकसभा सीट के इलाके में और सभी एमएलए के इलाके में जितने भी किसान है, उन सबको जाकर के बताओगे कि मोदी जी ने कहा है कि 3,100 रुपया मिलेगा, बताओगे?
यहां आनंद करने से काम नहीं चलेगा भाई। मुझे किसान के घर में आनंद चाहिए और यही गारंटी छत्तीसगढ़ में भाजपा ने दी थी। वहां छत्तीसगढ़ के धान किसानों की खरीद इसी एमएसपी पर हुई और पैसा उनके खाते में जमा भी हो गया। भाइयों और बहनों, यहां अनेक साथी टेक्सटाइल के काम से जुड़े हैं। हमारे बुनकर भाई बहन मेड इन इंडिया के भी शिल्पकार हैं। संबलपुरी साड़ियां, ये तो नाम दुनिया भर में है। हम हथकरघा को हमारे टेक्सटाइल सेक्टर पर विशेष बल दे रहे हैं। भाजपा सरकार टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई के लिए बुनकर के बच्चों को 2 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दे रही है। पिछले 10 वर्षों में 600 से अधिक हैंडलूम क्लस्टर विकसित किए गए हैं। इनमें अब तक हजारों बुनकरों की ट्रेनिंग हो चुकी है। बुनकरों को नई मशीनें, नए उपकरण दिए जा रहे हैं। हथकरघा बुनकरों को रियायती दरों पर कच्चा माल यानी धागा दिया जाता है। कच्चे माल को लाने का खर्च भी सरकार वहन करती है। इसके अलावा श्रमिकों को कर्जे और वर्कशेड भी दिया जा रहा है। मुद्रा योजना के माध्यम से भी बुनकरों को बिना गारंटी का ऋण मिलता है। ओडिशा भाजपा ने 3 इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। बुनकरों और हथकरघा श्रमिकों को सम्मान निधि देने की भी घोषणा की है। ये सब आपके लिए क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं आप ही की तरह गरीबी से निकल करके आया हूं। गरीब की जरूरतों को मैं समझ पाता हूं। आपका दुख दर्द, आपकी जरूरतें अगर मोदी नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? भाइयों और बहनों, आजादी के अनेक दशकों तक आदिवासी क्षेत्रों को विकास से वंचित रखा गया। आदिवासियों को आर्थिक और राजनीतिक सिस्टम से दूर रखा गया। लेकिन 10 वर्षों में हमने आदिवासी बच्चों, उनके सच्चे सशक्तिकरण पर बल दिया। 10 सालों में जनजातीय कल्याण का बजट 5 गुना बढ़ाया है। भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिवस को भाजपा सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। सबसे पिछड़ी जनजातियों के लिए 24,000 करोड़ रुपए की योजना भी मोदी ने ही बनाई है। साथियों, क्या आपने कभी कल्पना भी की थी कि आदिवासी समाज की एक बेटी देश की राष्ट्रपति होगी? उड़ीसा की आदिवासी बेटी आज देश की 3 सेनाओं को कमान करती है, राष्ट्र का नाम बढ़ा रही है, राष्ट्रपति पद की शोभा बढ़ा रही है। ये काम किसने किया? ये काम किसने किया? द्रौपदी जी को राष्ट्रपति बनाने का काम किसने किया? किसने किया? किसने किया? अरे मोदी ने नहीं किया, ये आपके एक वोट ने किया है। आपने वोट दिया, मोदी को सेवा करने का मौका मिला और तब जाकर के द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति बनी।
ये आपके वोट की ताकत है। जब द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा की है, इसी मिट्टी से निकली है, जब वो राष्ट्रपति बनी आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? उड़ीसा का मान सम्मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? माताओं बहनों का मान सम्मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी आज तक इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। वो लगातार आदिवासी बेटी का अपमान कर रहे हैं। आपको पता होगा, अभी 4-6 दिन पहले हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अयोध्या में प्रभु राम लला के दर्शन करने गई थी। उन्होंने प्रभु राम लला के गर्भगृह में जाकर के पूजा अर्चना की और उन्होंने देश के कल्याण के लिए राम लला से आशीर्वाद मांगे। लेकिन उनका अपमान करना, प्रभु राम का अपमान करना, राम मंदिर का अपमान करना, ये जिन्होंने ठान के रखी है, ये कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं? ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, द्रौपदी मुर्मू जी का रामलला के दर्शन करने के लिए जाना, मंदिर में पूजा अर्चना करना, एक आदिवासी बेटी और देश की राष्ट्रपति रामलला के दर्शन करके आई, उसके दूसरे दिन कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता ने घोषणा की कि हम अब राम मंदिर को गंगा जल से धोकर के राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। मुझे बताइए, ये देश का अपमान है कि नहीं है? ये देश का अपमान है कि नहीं है? ये आदिवासी समाज का अपमान है कि नहीं है? ये माताओं बहनों का अपमान है कि नहीं है? मेरे देश की आदिवासी की बेटी, मेरे देश की राष्ट्रपति रामलला के दर्शन करने जाए, मंदिर में पूजा अर्चना करे और दूसरे दिन कांग्रेस घोषणा करे कि अब हम राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को भारत की राजनीति में रहने का हक है क्या? मैं उड़ीसा के लोगों से पूछूंगा, क्या ऐसी कांग्रेस और उसके साथियों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मैं चाहता हूं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान करने वाली कांग्रेस को, चाहे असेंबली की सीट हो या चाहे लोकसभा की, इतना बड़ा उन्होंने पाप किया है, सभी सीटों पर उनकी जमानत जब्त होनी चाहिए। इसके बिना ये सुधरेंगे नहीं। और साथियों, आपको कांग्रेस से लगातार सावधान रहना है। कांग्रेस संविधान बदलना चाहती है, एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण छीनना चाहती है और छीन करके अपनी वोट बैंक को देना चाहती है। लेकिन आज जब संविधान के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी बेटी बैठी है और पिछड़े परिवार में पैदा हुआ ये प्रधान सेवक आपका बेटा बैठा है, किसी की ताकत नहीं है संविधान की पीठ में छुरा भोंक सके, किसी की ताकत नहीं है संविधान को हाथ लगा सके,
एससी एसटी ओबीसी का हक मोदी किसी को भी उसे छीनने नहीं देगा, ये मोदी की गारंटी है। और कांग्रेस और उसके सारे चट्टे बट्टे, ये कांग्रेस उसके सारे चट्टे बट्टे उनके सहजादे जरा कान खोल करके सुन लो। वंचित मानन का जहां अधिकार मोदी है उसी तार चौकीदार, और ये शाहजादे अभी संविधान को माथे पर रख के नाच रहे हैं ना, जरा देश जानना चाहता है क्या भारत की सरकार संविधान के कोख से जन्म लेती है कि नहीं लेती है। जब भारत की सरकार संविधान की कोख से जन्म लेती है तो भारत सरकार की कैबिनेट इस संविधान के कोख से पैदा होती है कि नहीं होती है? भारत सरकार की कैबिनेट को संविधान के द्वारा अधिकार मिले हैं कि नहीं मिले हैं? भारत सरकार की कैबिनेट, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की कैबिनेट जो संविधान ने बनाई है, उस कैबिनेट ने एक फैसला लिया और ये शाहजादे ने पत्रकार परिषद बुला करके उस कैबिनेट के फैसले के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। ये टुकड़े कागज के नहीं थे, ये टुकड़े संविधान के थे, ये टुकड़े भारत के संविधान की भावना के थे। ये देश संविधान के टुकड़े टुकड़े करने वाले ये शाहजादे को कभी माफ नहीं कर सकती है। साथियों, रेल हो, रोड हो, एयरपोर्ट हो या अस्पताल, भाजपा विकास के लिए दिन रात काम मेहनत करती है। झारसुगुड़ा के वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट से कितनी सुविधा हुई है ये हम देख रहे हैं। रोड और रेल के ऐसे तमाम प्रोजेक्ट 4 जून के बाद तेजी से पूरे होंगे। साथियों, आपको भारी संख्या में मतदान करना है, हर बूथ पर कमल के निशान पर बटन दबाना है, और जब आप इन सबको कमल से वोट देंगे, जब कमल निशान पर बटन दबाएंगे ना, तो आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा, मोदी को मजबूती मिलेगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, सारे पोलिंग बूथ जीतेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, जरा हाथ ऊपर करके बताइए तो बताओ, मेरा काम करेंगे? सब लोग मेरा काम करेंगे? हर कोई करेगा? अच्छा, यहां से फिर ज्यादा से ज्यादा परिवारों को मिलने के लिए जाइए और सबको जाकर के कहना, मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको जय जगन्नाथ कहा है, मोदी जी ने आपको नमस्कार कहा है, मोदी जी ने आपको जोहार कहा है। इतना करोगे? मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।